साथियों, ये चेकिंग करने आया था यहाँ पर कि लैट्रिन बाथरूम ठीक है कि नहीं है, और काफी गुस्से में, गर्मी हो रही है। देखिए किस ऐसे तो लग रहा है कि ये देवी जी का नहीं, इनका इसका अपना घर है, और थोड़ा सा इन्होंने छेड़खानी भी की है, जो लगता है सांप को डंडा वंडा दिखाया है, वरना कभी ऐसा सांप नहीं करता। इनके द्वारा इस सांप को डंडा जरूर दिखाया गया होगा, ऐसा हो नहीं सकता। इतना क्योंकि गुस्से में नहीं होता, और गर्मी हो रही है और खाने की तलाश में ये क्या घुस गया। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप की जरूरत आप एक गार्ड को दे, वन विभाग को दे, हमें दे, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको आपके परिवार खतरा हो। अभी शांत है क्योंकि इसके इसके साथ मेरे द्वारा ज्यादा छेड़खाने नहीं गई थी, और ये मादा है, गुस्सा तो इसको आना ही ज्यादा जरूरी है। इसको सुरक्षित पकड़ लेगा, उसको इसके प्राकृतिक आदमी छोड़ दूंगा जी। मेरा नाम प्रदीप सिंह नेगी है, और शिव विहार में चांदवारी में मैं रहता हूँ, और पहली बार हमारे घर में सांप घुसा, और पहले भाई को मैंने फ़ोन कर दिया था, और वो भी 5 से 10 मिनट के बीच में घर में आ गए थे, और अभी सुरक्षित पकड़ लिया है। अभी अपने जो भी अपने जहाँ पे भी जंगल में कहीं पे भी छोड़ेंगे बिना नुकसान किए। धन्यवाद। काले मादा नाग मेरे द्वारा अभी चांदमारी से पकड़ा गया। उस घर में छोटे बच्चे थे, और बाथरूम में ये छुपके बैठ गई थी, और उन्हें वही डरा रही थी। सूचना मिली 10 मिनट में मैं पहुंच गया, इसको ले आया मैं। इसको अब इसके प्राकृतिक जितने भी जहरीले सांप हैं इनके साथ आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि खतरा हो सकता है, और खतरा आपको और आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। ये काफी खतरनाक सांप है। वैसे तो किसी भी सांप के साथ आप छेड़छाड़ ना करें, ये इसका प्राकृतिक वास है। प्राकृतिक वास में मैं इसको लेकर आ गया हूँ। आप ये देखिए कि अभी आराम से जाएगा, ये धमका के जाएगा, क्योंकि ये तो अंदर बाथरूम में तो बहुत हल्ला कर रहा था, और इसको सुरक्षित मेरे द्वारा पकड़ लिया गया। यही इसका प्राकृतिक वास है, और यहीं पर हमारे क्षेत्र की युवा पीढ़ी नशा करने आती है, और बहुत ज़्यादा नशा यहाँ पर करती है। अब देखिए मैं इसको इसके प्राकृतिक वास छोड़ रहा हूँ। देखिए ये बहुत जल्दी में है, इसको बहुत जल्दी है। जनता में जाने के चक्कर में है ये, इसको
ये अपनी मस्ती में ये घूमते हुए इधर से उधर, उधर से इधर, इसको करीब 5 फुट से के आसपास की लंबाई है। ये तो बिल्कुल भी धूप अच्छी लग रखी है, हाथ भी नहीं रखने दे रहा है। हाँ देखिए, तो बिल्कुल भी हाथ नहीं रखने दे रहा है बिल्कुल। बना 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 देखिए कितना गुस्सा है इसके अंदर, क्योंकि हम उसकी जान बचा कर लाए। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, सांप की सूचना 108 को दें, वन विभाग को दें, हमें दें। इस समय गर्मी हो रही है, फोटो खींचता रही आप, ये देखिए यहाँ बैठ के वीडियो ना, यहाँ इसकी पुकार देखिए कितनी खतरनाक है। और इसको ये अपना शरीर कैसे, ये शरीर कैसे शरीर फुला रही है अपना, ये करीब 7 या 8 साल इसकी उम्र हो सकती है, लगता तो थोड़ा ऐसे ही है। देखिए फोटो खींच, फोटो खींच, छोड़ो भी छोड़ो, साथियों इसको मेरे द्वारा सुरक्षित पकड़ लिया गया। अब मैं इसको इसके एक हमारे द्वारा एक बिल देखा हुआ उसमें डाल देते हैं इसको। ये देखिए इसकी हरकत देखिए, इसकी जान बचाने का लाने का ये फायदा है। ये इनके सर्दी के बिल हैं ये, ये देखिए ये समझदार है, तुरंत उसमें अंदर चला गया। सांप को उसके प्राकृतिक वाले सुरक्षित छोड़ दिया गया, थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो रही, देखिए ये बाहर निकले आया और इसको ये बिल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ी सांप को सर्दी है, उनको भी सर्दी लगने का खतरा होता है। और ये सुरक्षित तभी रहेंगे जब ये बचे रहेंगे। और ये देखिए ये परेशान हो रहा है अंदर, शायद कोई और भी सांप तो नहीं है, अगर ये अकेला ही है। यदि आपको ये सांप दिखाई दे और उसकी सूचना 108 को दे, विभाग को दे, हमें दे। देखिए ये क्या इसकी हरकत है, आ जा सुरक्षित इस गड्ढे छोड़ देता कि रात को सर्दी ना लगे। और आप देखिए 1 मिनट के अंदर इसने वापस आकर खुले में चला गया। यदि इस तरह का आपको सांप दिखाई दे, आप वन विभाग को फ़ोन करें, हमें फ़ोन करें, 108 पे फ़ोन करें, आपसे हम छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि खतरा हो सकता है आपको भी, आपके परिवार को भी। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके परिवार को खतरा हो।